नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। आपको बताएंगे मकर संक्रांति पर कुछ ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन्हीं से आपके जीवन में सबसे ज्यादा दुर्भाग्य पीछे लग जाता है और काफी लोग इस बारे में पता नहीं लगा पाते हैं। उनको पता नहीं होता है या फिर जाने अनजाने में ही वह ऐसी गलतियां कर बैठते हैं ऐसे ही खास दिनों पर, जिससे उनके जीवन में बाधाएं आती है, उनके कार्य रुक जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी सफलताएं नहीं मिल पाती है। अगर आपको अपने जीवन में सफलताएं नहीं मिल पाती है या बाधाएं आती रहती है, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपने भी कुछ ऐसी चीजें की है जिससे दुर्भाग्य आपके पीछे लग गया है। ऐसी ही चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खास दिन कुछ बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं और इन दिनों पर आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इन बातों को आपको बेहद ही खास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इसी से आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती है और एक बार समस्याएं शुरू हो जाती हैं तो आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। तो इसीलिए दोस्तों मकर संक्रांति के दिन आप भूल कर भी कभी भी झाड़ू का दान किसी को भी ना करें, बल्कि इस दिन तो आप किसी को भी अपने घर की झाड़ू इस्तेमाल के लिए भी ना दें, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आपके जानने वाले या आस पड़ोस के लोग ही आपसे कुछ चीजें ऐसी मांग कर ले जाते हैं जिनसे आपको नुकसान होने लगता है और आप जाने अनजाने में पता ना होने के कारण इन चीजों को दे भी देते हैं। इसीलिए दोस्तों मकर संक्रांति के दिन आपको किसी को भी अपने घर की झाड़ू जो है आप इस्तेमाल करते हैं या किसी को भी नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में आपके कर्म में धन से जुड़ी हुई समस्याएं शुरू होने लगती है। अब दूसरी चीज है दोस्तों, प्लास्टिक की कोई भी चीजें आपको मकर संक्रांति के दिन ना तो दान करनी है, बल्कि जो भी प्लास्टिक की चीजें आप खुद इस्तेमाल करते हैं यह भी आपको किसी को भी नहीं देनी है। यह चीजें आप खुद के इस्तेमाल के लिए खरीद भी सकते हैं, रख भी सकते है और अपने घर में, लेकिन दूसरों को यह चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, खास करके मकर संक्रांति के दिन नहीं देनी है। और दोस्तों तीसरी चीज है, स्टील के बर्तन आपको इस दिन भूल कर भी किसी को नहीं देने हैं। जो भी बर्तन आप अपने घर में इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं, जिनका इस्तेमाल होता रहता है, खास दिन की यही बर्तन आपको इस दिन किसी को भी नहीं देने हैं। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होता है और इस दिन पर आपको यह चीजें जरूर ही ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपके जीवन से समस्याएं दूर हो सके। खास करके आप इन चीजों का दान करते हैं या मकर संक्रांति के दिन किसी को भी इस्तेमाल के लिए देते हैं तो इससे आपके ग्रह बिगड़ते हैं, खास करके सूर्य ग्रह आपका कमजोर होने लगता है, जिससे आपके दुश्मन बढ़ जाते हैं और आपको चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा सताने लगता है। जो लोग सूर्य को जल देते हैं वह इस बात का ध्यान रखा करें कि कभी भी सूर्य को जल आप लोहे के बर्तन में, स्टील के या प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका सूर्य ग्रह कमजोर होने लगता है और आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। आपका सूर्य ग्रह जो भी खराब होता है तो इससे आपको मान सम्मान बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं मिल पाता है, यानी कि बहुत सारे लोग आपके खिलाफ होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आपको समझ जाना चाहिए कि आपका सूर्य ग्रह खराब हो रहा है। खास करके मकर संक्रांति के दिन आपको यह चीजें बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन ही आपको ध्यान रखना है कि घर का कोई भी सदस्य या फिर घर में ही नॉनवेज आपको ना तो बनाना है और ना ही खाना है। इसके साथ ही शराब का सेवन भी नहीं करना है। जो भी लोग ये सब चीजें करते हैं उन्हें मकर संक्रांति के दिन इन चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे विशेष और खास दिनों पर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो दुर्भाग्य आपका साथ देता है, जिससे आप हमेशा ही परेशान होने लगते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन दोस्तों यह चीजें आपको ध्यान रखनी है और हो सके तो जितना ज्यादा लाइट भोजन आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसीलिए काफी लोग इस दिन खिचड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि खिचड़ी भी एक तरीके का हल्का भोजन ही मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों आप इस दिन खुद भी खिचड़ी खाएं, क्योंकि जितना ज्यादा हल्का भोजन आप इस दिन करते हैं उतने ही ज्यादा लाभ आपको मिलने लगते हैं। अगर इस दिन आप बहुत ज्यादा भारी भोजन करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है और आपके जीवन में दुख और दुर्भाग्य बढ़ना शुरू हो जाता है। और खास
साल की मकर संक्रांति के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको खड़े होकर बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, क्योंकि काफी लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। यह तो छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके जीवन में बाधाओं को बढ़ाने वाली मानी जाती है। काफी लोग तो खड़े होकर ही खाना खा लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। मकर संक्रांति के दिन आप इस प्रकार से भोजन करते हैं तो इससे आपका चंद्र ग्रहण भी खराब होने लगता है। इस दिन आपको दिनचर्या का पालन करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। अगर आप गंदे कपड़े पहनते हैं और गंदे तरीके से रहते हैं या फिर नहाते बिल्कुल भी नहीं है, और खास करके इस दिन आप नहीं नहाते हैं, तो इससे आपके जीवन में जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वह सभी रुक जाते हैं और बिल्कुल भी आपको सफलताएं नहीं मिल पाती है। जो भी आपके जीवन में होता है यह सब इसीलिए होता है कि इन सभी चीजों को आपने खुद ही अपने जीवन में आकर्षित किया है। जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये सारी चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीजों को आकर्षित कर देती है जो आगे चलकर आपको समस्याएं उत्पन्न करती है और आपके लिए कार्य में बाधाएं खड़ी करती है। काफी लोग तो इन सब चीजों को जानकर भी अनदेखा कर देते हैं और काफी लोग जाने अनजाने में चीजों को करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम हमेशा ही कुछ खास चीजों पर चीजें जो करनी होती है इसके बारे में बताते हैं। जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए यह भी आपको बताते हैं, इसलिए आप इन चीजों का लाभ उठाया करें। मकर संक्रांति का दिन पूजा के लिए, मंत्र जाप के लिए, मेडिटेशन के लिए यह बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। और इस दिन आप बेकार की चीजें छोड़कर यह चीजें करते हैं तो यह आपके जीवन में सफलताओं को बढ़ाती है, यह आपके जीवन को और भी ज्यादा सुखमय बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल सुखमय जीवन से व्यतीत हो, जीवन से धन की समस्या बिल्कुल खत्म हो, ऐसे दिन का लाभ बिल्कुल उठाया करें। इस दिन अकेले ही समय बिताया करें, खास करके मंत्र जाप करते हुए आप समय बिता सकते हैं। जितना ज्यादा आप ऐसे दिनों पर जाप करते हैं यह मंत्र आपके जीवन में सिद्ध होता है। जब भी मंत्र आपका सिद्ध होता है तो इससे आपका बहुत ही ज्यादा लाभ होने लगता है। जैसे कि आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं भगवान शिव से जुड़े हुए, माता लक्ष्मी से जुड़े हुए, तो ऐसे दिनों को आप इस्तेमाल किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कीजिए। ऐसे ऐसे मंत्र बताए हैं जो प्रयोग और साधना के लिए इस्तेमाल होते हैं। समस्या चाहे कैसी भी हो, अगर आप ऐसे ही दिनों का लाभ उठाते हैं मंत्र जाप के लिए, तो इससे आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं और वह मंत्र भी आपके जीवन में सिद्ध होता है। तो इसलिए दोस्तों आप हनुमान चालीसा का भी जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी ही समस्या बहुत ज्यादा है तो आप कोशिश करें दोस्तों ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप सबसे ज्यादा करें, जिससे आपके जीवन में धन के मार्ग सभी खुल सके और आप यह सब चीजें प्राप्त कर सके। धन के मार्ग इतने बंद हो जाते हैं कि उन्हें कहीं से भी कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, बल्कि जब भी वह कुछ चीजें करते भी है तो उनमें भी उन्हें बाधाएं आती है, समस्याएं आती है और बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल पाती है। मकर संक्रांति जैसे दिनों पर माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई मंत्रों का जाप करते तो यह सिद्ध होता है और इनके लाभ आपको खुद ही देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी माला है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी के मंत्रों को जाप सिर्फ कमल कट्टी की माला से अगर आप करते हैं तो ये माला भी सिद्ध होने लगती है। यही माला अगर आप हमेशा ही अपने पास रखते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने लगता है। यह चीजें उन लोगों के लिए जरूर करनी चाहिए जो व्यापार करते हैं, बिजनेस है जिनका, जो लोग बहुत ही ज्यादा तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कमल कट्टे की माला पर माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और यही माला अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। जो भी लोग पैसों से जुड़ी हुई चीजें करते रहते हैं उन्हें इस प्रकार करने से फिजूल खर्च खत्म होता है, कर्ज खत्म होता है और वे धन प्राप्ति के भी मार्ग हमेशा मिलते रहते हैं। ये जो मंत्र हमने आपको बताया है ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप जितना ज्यादा आप करते हैं यह सिद्ध होता है। और इसी मंत्र में बीज मंत्र है जिसका जितना ज्यादा आप जाप करते हैं यह बीज मंत्र खुलने लगता है और आपको बहुत ही ज्यादा तरक्की प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों जब भी आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो सोफे पे बैठकर बिल्कुल भी ना किया करें, बल्कि जमीन पर आसन बिछाकर करें और एक ही स्थान अपना ऐसा बनाए जहाँ पर
आप भगवान से जुड़ी हुई उपाय करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक ही स्थान आप ऐसा जरूर बनाएं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। अपनी सभी समस्याएं दोस्तों आपको जरूर बताया करें, जिससे हम आपकी समस्या के लिए भी ये वीडियो बना सके, जिससे आपको लाभ मिल सके। इसलिए दोस्तों कमेंट जरूर किया कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें, जिससे सभी लोगों की मदद हो सके और आप दूसरों की मदद करते हैं तो इससे आपके सारे कुकर्म मिटने लगते हैं। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।